students, we were discussing examples of Banach spaces. Previously, we have discussed that Rn is a Banach space, then L infinity space is a Banach space. Now, we will show that Lp space is a Banach space, where what is P is a greater than 1 number, is a number. And this is space de andar jadon vi koi assi koi sequence x leke chalde hain, x sequence Lp de andar ne, ओ उन्हां दे ते कंडीशन की हैगी है दैट द समेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स एंड पी इज़ लैस दैन इनफिनिटी. ए एक्स की है एक्चुअली यह एक्स एक सीकुएंस है जिसका एन वन तो लैके इनफिनिटी तक वेरी करता है, पर इस एल पी स्पेस के अंदर इन्हों सीकुएंसिस से यह कंडीशन लगी हुई है. दिस इज़ अ कंडीशन दैट ऑल द सीकुएंसिस फॉलो दैट एंड वी हैव टू शो दैट कि इट इज़ अ असी शो करना कि स्पेस इस फंक्शन के अंडर Banach स्पेस बनती है. तो पहला आपां इनू नॉर्म स्पेस बनाना होएगा. तो नॉर्म स्पेस बनाने दे लई असी की करना है, वी हैव टू सी दैट वैदर इट इज़ अ नॉर्म स्पेस. ये बड़ी ईजीली असी प्रूव कर सकते हैं. उहदे लई असी चैक करांगे कि जिहड़ा ये मॉड है, सानू पता है ना मॉड ऑफ एक्स एन की हुंदा, हमेशा पॉजिटिव हुंदा है. उहदे ते पावर पी रेज कर दिंदे हां आपां, असी उसदा सम कर लैंदे हां, फिर असी उसदे उत्ते पीएथ पावर लगा लेंगे, ये की बन जूगा नॉर्म ऑफ एक्स बन जूगा. सो नॉर्म ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन जीरो. ये रिजल्ट असी बहुत वारी किया है. सो नेक्स्ट असी शो करना होएगा कि जिहड़ा नॉर्म ऑफ एक्स हैगा वो जीरो होएगा. इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो तुसी सपोज कर लोगे कि जिहड़ी नॉर्म हैगी है दैट इज़ इक्वल टू जीरो. जदों असी नॉर्म नू जीरो मान के चलांगे तां इह पूरे दा पूरा सम हो गया जीरो. दिस होल सम इज़ जीरो. दोनों तरफ पावर पी रेज कर लेंगे. हुण अगर समेशन जिहड़ा हैगा इह जीरो दे इक्वल है टर्म्स दा, पॉजिटिव टर्म्स दा सम. तुसी चैक कर लो कि जदों कोई दो पॉजिटिव टर्म्स नू असी सम कर रहे हैं एंड दैट सम इज़ जीरो, इहदा मतलब है सारियां पॉजिटिव टर्म्स भी की होणगियां जीरो. सो दिस विल शो दैट एवरी एक्स एन दी पावर पी इज़ जीरो. इस तो की आ जाएगा साडे कोले दैट नॉर्म ऑफ एक्स एन इज़ जीरो. इसका मतलब है एक्स एन जीरो होएगा फॉर ऑल एन. और हरेक एन दे लई अगर एक्स एन जीरो हो गया तो एक्स ने भी की हो जाना है जीरो. तो इसे नाल वाइस वर्सा रिजल्ट हो जाएगा. अगर एक्स जीरो है तो एस दे कंपोनेंट जीरो हो जाने, क्योंकि एक्स की है एक सीक्वेंस. अगर वो सीक्वेंस जीरो है, कोई सीक्वेंस जीरो कदों हुंदा, जदो उस सीक्वेंस दी हरेक टर्म जीरो होवे. सो इट इज़ अ जीरो सीक्वेंस. सो एवरी टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज जीरो, मीनस एक्स एन इज जीरो. जीरो द मॉडुलस इज जीरो, पावर पी जीरो, सम ऑफ ऑल द जीरोज इज ऑलसो जीरो. सो कन्वर्स भी साडा रिजल्ट बन जाएगा. और नेक्स्ट असी इस दे अंदर प्रूव करके दिखाना होएगा कि जेड़ा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई है दैट इज़ लैस दैन नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई. उस दे लिए असी एक एक्स ले लेंदे हैं. एक्स इज़ एक्स एन, वाई इज़ वाई एन विच बिलोंग्स टू एल पी स्पेसिस एंड वी विल कंसिडर नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई. एंड द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म देखिए, ज़रा चेक करिए वॉट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ नॉर्म. तो नॉर्म की डेफिनेशन है कि जो एक्स है असी उसका कंपोनेंट लेना है, मॉडुलस ऑफ द कंपोनेंट, पावर पी ऑफ दैट कंपोनेंट, टेक द सम एंड द होल पावर इज वन बाय पी. द सिमिलरली ऑपरेशन वी हैव परफॉर्म्ड हेयर. सो आवर कंपोनेंट्स आर एक्स एन प्लस वाई एन. एक्स आई वाई आई ले लिया अपन ने एंड पावर पी समेशन एंड होल पावर वन बाय पी. एंड हेयर वी आर यूजिंग द मिनकोस्कीज इनइक्वालिटी. तो मिनकोस्कीज इनइक्वालिटी आप यही रिजल्ट प्रूव करके आए थे ना पिछे, असी इसनों पी दे लई ही प्रूव किया. सो इनू सैपरेटड किया जा सकता है. दिस इज़ अगेन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स एंड नॉर्म ऑफ वाई. सो फाइनली अपने को रिजल्ट बन गया दैट नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज़ लैस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई. ठीक है जी, इज इट? सो टिल नाउ साढ़े को बन गया. दिस मीनस कि दिस इज़ अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस. टिल नाउ इट इज़ अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एंड इट रिमेन्स टू शो दैट. हूँ असी की शो करके दिखाना होएगा दैट इट इज़ अ Banach स्पेस. तो नेक्स्ट असी इस एल पी नू एक Banach स्पेस बना के दिखाना है. सो वी हैव टू शो दैट इट इज़ अ Banach स्पेस. तो Banach स्पेस बनाने के लिए असी की करना है, इस दे अंदर एक सीकुएंस ले लेना है. लेट दिस बी अ Cauchy सीकुएंस इन एल पी. इस सीकुएंस दियाँ टर्म्स लिख लिया सी. सीकुएंस इसे तरीके नाल हुंदा ना, जिवें सपोज मेरे को यह एक एक्स एन सीकुएंस है दैट इज़ टू द पावर एन. तो जे मैं इसनों खोल के लिखना है तो की हो गया टू द पावर वन, टू द पावर टू, टू द पावर थ्री एंड सो ऑन. इसे तरीके नाल असी इत्थे लिख लिया. ठीक है, सो एक्स एन मीनस फर्स्ट टर्म, सैकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन. एंड क्योंकि यह किस दे अंदरों है, एल पी दे अंदरों. और असी पिछे चैक करिया सीगा कि एल पी दे अंदर साढ़े को रिजल्ट हैगा, जो भी सीकुएंस एल पी के अंदर जाएगा उसकी जी समेशन एक्स एन पी है दैट इज़ लैस दैन
सो देयर फोर अगर यह एक्स एन एल पी दे अंदर है दिस मीन्स समेशन ऑफ एक्स आई एन पावर पी इज लैस दैन इनफिनिटी. मोर ओवर इट इज़ अ कॉशे सीकुएंस. आप कॉशे लैके चले सके एंड यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कॉशे की आएगा साढ़े को फॉर गिवन ए साइलन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन कैपिटल एन लिख लो एन नॉट लिख लो एनी यू कैन राइट एनी सिंबल सच दैट एमथ टर्म एनथ टर्म सीक्वेंस इज लैस दैन ए सफिक्स असी पी क्यू लगाया क्योंकि साड़ी यह एल पी दी नॉम है. इस एल पी दी नॉम करके असी इस सफिक्स च पी लगाया पावर असी पी पावर वन बाय पी लगा रहे हैं ना इज लैस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एंड एम विच आर ग्रेटर दैन दिस इंटीजर जिसका मतलब हैगा कि एनथ टर्म एमथ टर्म difference will tend to zero whenever n and m are very large or tending to infinity. ठीक है जी. सो इस तरीके नाल साडे कोल इह रिजल्ट बन गया. सो नाउ इट इज़ ट्रू फॉर द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n नॉड ऑलसो. अगर असी इस दे अंदर n नॉड लिख लिए m दी जगह ते क्योंकि देखो जिहड़ा असी m है उहनू ग्रेटर दैन इक्वल टू n नॉड लिख रहे हैं. सो आपां m नू n नॉड भी लै सकते हैं या n नू n नॉड भी लै सकते हैं. सो वी आर टेकिंग द पर्टिकुलर वैल्यू टेकिंग n टू बी n नॉड. तो n नू असी n नॉड लिख दिए एंड इनू असी कंसिडर किया है. कंसिडर दिस इस दे अंदर आपां इह टर्म नू ऐड ते सबट्रैक्ट किया है. यूज़ द ट्रैंगुलर इनइक्वैलिटी सैपरेशन होगी. इतने ट्रैंगुलर इनइक्वैलिटी लगाने तो बाद देखो यह जिहड़ा सी इह फिक्स एलीमेंट है एल पी का. दिस एलीमेंट बिलोंगस टू एल पी ना. तो एल पी के अंदर जाने के लिए की कंडीशन सी कि जोड़ा समेशन है एक्स आई एन नॉड पावर पी वेयर आई इज़ वेयरिंग फ्रॉम वन टू इनफिनिटी इट शुड बी फाइनाइट. अगर यह सारी वैल्यू फाइनाइट है तो आप नाम रख दें से इट इज़ एम. सो आप इस पूरी वैल्यू नू की कहता इट इज़ एम. तो यह जोड़ा फैक्टर है इसनों असी एम कह सकते हैं इतने एम और इसनों असी पिछे की शो किया कि इट इज़ लैस दैन एपसाइलन. तो यू आप लैस दैन एपसाइलन कह सकते हैं. दिस मीनस कि जोड़ा साडा एक्स एन पी है यह की बन गया साढ़े को लैस दैन एपसाइलन प्लस एम विच इज़ इक्वल टू ए. दिस मीनस कि नॉम ऑफ एक्स एन लैस दैन ए है फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एन नॉट. सो पिछे आप वाली नॉम नू लैस दैन एपसाइलन किया सी क्योंकि साडा यह वाला सीकुएंस जोड़ा सीगा दिस सीकुएंस वॉज अ कॉशी सीकुएंस. एक कॉशी सीक्वेंस सीगा तो कॉशी सीक्वेंस के लिए असी इसमें लैस दैन एपसाइलन रखिया सी. तो आप फिर हूँ इतने जस्ट वैल्यू ऑफ नॉम लिखिए. वैल्यू ऑफ नॉम लिखन तो बाद आप करना टेक दी पावर पी ऑन बोथ साइड्स. अगर इतने पावर पी लवेंगे तो इतने भी पी लवेंगे ये पावर कैंसल हो जाएगी. फिर असी कह रहे हैं कि समेशन ऑफ द पॉजिटिव टर्म्स इज लैस दैन एपसाइलन रेज टू पावर पी. तो पॉजिटिव टर्म्स का सम अगर एपसाइलन की पावर पी तो लैस है तो एवरी टर्म विल बी लैस दैन एपसाइलन रेज टू पावर पी. यानी कि आ विच वाली टर्म जी है साड़ी इट विल बी लैस दैन एपसाइलन रेज टू पावर पी. फिर इन्हों का पी एथ रूट लवेंगे तो साढ़े को आजगा एक्स आई एन माइनस एक्स आई एम इज़ लैस दैन एपसाइलन विच इज़ ट्रू फॉर एवरी एम एंड एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एन नॉट. सो फ्रॉम द अबव इट फॉलोज दैट फॉर ईच फिक्स आई हरेक फिक्स आई दे जड़ा साड़ा सीकुएंस है इट इज़ अ कॉशी सीकुएंस ऑफ रियल नंबरस. ये कॉशी सीकुएंस ऑफ रियल नंबरस बन गया ना क्योंकि जोड़े साडे सीकुएंस एक्स एन है सीकुएंस एक्स एन के जोड़े कंपोनेंट्स ने या तो रियल हो गए या कॉम्पलैक्स हो गए एंड जनरली वी आर कंसिडरिंग दैम टू बी द रियल. सो दिस इज़ अ कॉशी सीकुएंस इन रियल. क्योंकि रियल दी स्पेस कंप्लीट है इस करके एक्स आई एन नू एक्स आई नू कन्वर्ज करना पड़ेगा एज एन इज टेंडिंग टू इनफिनिटी और आई वेरी कर रहा है फ्रॉम वन टू इनफिनिटी. इसका मतलब है एक्स वन एन एक्स वन नू कन्वर्ज करता है एक्स टू एन एक्स टू नू कन्वर्ज करता है एंड सो ऑन. इस तरीके दियाँ किन्नियाँ लिमिट्स बन गई साड़िया एक लिमिट बनी एक्स वन एक लिमिट बनी एक्स टू एंड सो ऑन. सारिया लिमिट्स नू इकट्ठा करके असी एक अलग सीकुएंस बना लिया उहदा नाम की रखिया आपां एक्स. हुण असी ए शो करना रह गया साडा आपां ए तां शो करता कि साडा सीकुएंस कॉशे कन्वर्ज कर रहा है वह कन्वर्ज करता है किसी पॉइंट एक्स नू बट वह पॉइंट एक्स साडी एल पी स्पेस है कि नहीं ये असी हुण चैक करना है. नाउ वी विल शो दैट एक्स बिलोंगस टू एल पी एंड द कॉशे सीकुएंस एक्स एन कन्वर्जिस टू एक्स इन दिस नॉर्म ऑफ एल पी. सो फॉर दिस असी यह पिछे प्रूव करके आए हैं कि जड़ी एक्स एंड पी ने दे आर लैस दैन इक्वल टू ए. लैस दैन इक्वल टू ए का मतलब है नॉम दे अंडर है ना. तो नॉम की डेफिनेशन की कहती है एल पी दे अंदर नॉम की दे इक्वल हैगी इट इज़ अ समेशन ऑफ मॉड ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एक्स पावर पी होल पावर इज़ वन बाय पी.
सो एदे ते की बनूगा, इट विल बी समेशन मॉड ऑफ एक्स एन पावर पी होल पावर इज़ 1/p, दैट पावर इज़ लैस दैन ए, 1/p नूं असीं इधर शिफ्ट करके इतने ए पी बना लिया। सो ये रिजल्ट है साढ़े को, हैंस फॉर द असी अगर इस पॉजिटिव इंटीजर आई नॉट के लिए असी इसनों लिखिए तो साढ़े के लिए की बन जाएगा, इतने समेशन इनफिनिटी तक जा रहा है, अगर असी आई नॉट तक लैके चलीए पॉजिटिव इंटीजर आई नॉट तक तो फिर यह सेम रिजल्ट साढ़े को बन जाएगा। तो इट इज़ ऑलसो गिवन दैट xi n is tending to xi as n is tending to infinity, so we will get that this summation will vary, this is also true. Now we are taking the limit as i naught is tending to infinity, a finite ho gaya sada, eh a p tak ja reha siga na, and a p ki hai finite hai, is less than infinity, this means aa jehdi term hai eh finite hogi, eh bounded hogi, eh hai ki hai, eh x de component ne, remember x leya si assi piche जिहड़ा असी एक्स बनाया सीगा, ये एक्स दे कंपोनेंट ने ना एक्स वन एक्स टू आई वेरी कर रहा है, तो ये साढ़े बन गए लैस दैन इनफिनिटी। और जो साढ़े किसी सीक्वेंस की नॉम वन इनफिनिटी तो लैस हो जाए फिर वो सीक्वेंस किसू बिलोंग करता है, एल पी नू, तो सीक्वेंस एल पी नू बिलोंग कर गया, सीक्वेंस इज बिलोंगिंग टू एल पी, एक्स सीक्वेंस एल पी के अंदर चले गया, ए ओ सीक्वेंस है जिसनों एक्स एन की कर रहा सीगा कन्वर्ज कर रहा सी, तो वो असी किस दे अंदर चले गए लैके उसनों एल पी दे अंदर। हुण दोबारा तो असी चैक करिए अपने को रिजल्ट बनया हुआ सीगा, दिस इज़ ट्रू फॉर एवरी इंटीजर, टेकिंग एम इज टेंडिंग टू इनफिनिटी, इस दे अंदर असी एम नू इनफिनिटी नू टेंड करवा दीए, अगर एम इनफिनिटी नू टेंड करेगा तो इसने की बन जाना है एक्स आई, इतने जी पावर पी है वह वापस इसते लगा दिए तो यह पावर 1/p हो जाएगा, ये नॉम की डेफिनेशन बन जाएगी साढ़े को। तो इस तरीके दे नाल जिहड़ा साडा एक्स एन है वह एक्स नू कन्वर्ज भी कर रहा है, और ये जिहड़ा एक्स है वह एल पी नू बिलोंग भी कर रहा है, एक्स इज़ ऑलसो बिलोंगिंग टू एल पी। सो दोनों चीज़ा साड़िया प्रूव हो गई कि कॉशे सीकुएंस कन्वर्ज टू सम पॉइंट एंड दैट पॉइंट ऑलसो बिलोंग्स टू एल पी, दिस मीनस दिस एल पी इज़ अ बिनाक space.